ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री ऋषिभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक स्वागत है मित्रों आज हम वर्णोच्चारण शिक्षा की दशमी कक्षा को पढ़ेंगे गत कक्षा में हमने इस सूत्र को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया था अकुह विसर्जनीया कंठ्या अर्थात अवर्ण और कवर्ग और ह और विसर्ग का उच्चारण का स्थान कंठ है अर्थात कंठ पर इनके बोलने में कंठ पर वायु का दबाव होता है जैसे अ आप स्वयं अनुभव कीजिएगा अ आ, आ, कंठ पर दबाव होगा इसी प्रकार से क घ ग, 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 आदि और ह और विसर्ग राम हरि तो कंठ पर इस थोड़ा सा दबाव होता है इनके उच्चारण में इसलिए उनका वही स्थान है वहीं से उच्चरित होते हैं अब ये जो सूत्र था ये महर्षि पाणिनि के सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है ये महर्षि पाणिनि जी अपने मत को बता रहे हैं कि ये मेरा मत है अर्थात ये सही मत है महर्षि पाणनी ने लोग को देखा है इसलिए उनको जो सही लगा है उस बात को उन्होंने इस वर्णोच्चारण शिक्षा के इस सूत्र में बता दिया परंतु महर्षि पाणनी की ये विशेषता है कि वो अन्य आचार्यों की उपेक्षा नहीं करते उनको भी श्रद्धा की दृष्टि से सम्मान की दृष्टि से देखते हैं इसलिए अपने प्रत्येक शास्त्र में उन्होंने अन्य आचार्यों के मतों का भी निदर्शन किया है बताया है तो अब इसी के बारे में वो दूसरे आचार्यों के मत को बतलाना चाहते हैं कि इन वर्णों के बारे में दूसरे आचार्य जी हम ऐसा विचार करते हैं वो ऐसा पढ़ाते हैं देश विशेष किसी प्रांत विशेष के कारण से अब देखिएगा ये तेईस ये ब्रणोच्चरण शिक्षा में तेईस में तेईस संख्या का है हिसर्जनी श्याम इसकी मैं हिंदी बताऊंगा इसका वो अलग अलग नहीं दिखाऊंगा कहते हैं ह और विसर विसर्जनीय माने विसर्ग ये जो दो हैं माने ह और विसर्ग इनमें से और विसर्ग इन दोनों के विषय में एक शाम मान कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि माने इनका बोलने इनका उच्चारण करने में माने हाका और विसर्ग का उच्चारण करते समय कहां पर दबाव होता है वायु का छाती पर छाती पर यहां वो मानते हैं वो कंठ में ना मान करके वो तो कहते हैं ह हाँ और विसर्ग के उच्चारण में तो छाती पर छाती वाले अंदर जो स्थान है वहां पर दबाव महसूस होता है तो ये दूसरे आचार्यों का मत बताया है परंतु हमको पाणनी के मत को मानना है पाणनी ने इनके मत को दिखाया है।, है हम हमें इनका मत नहीं मानना जी हमको अपने वर्णों का उच्चारण इनके मत के अनुसार नहीं करना हमें करना है आचार्य पाणिनि के मत के अनुसार ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूं ये तो इसका अर्थ हुआ कि कुछ आचार्यों का मानना है कि हाक और विसर्ग का उच्चारण कंठ से ना करके अर्थात उसका स्थान कंठ ना हो करके उत्ती छाती वाला स्थान मानना चाहिए यह मानना चाहिए और कहते हैं और जो दूसरे आचार्य हैं वो एक दूसरी बात भी मानते हैं कहते हैं जेहुआ मूल्यो ये जेहुआ मूल्य अभी आपको थोड़ा समझना कठिन होगा ये एक विसर्ग का ही भेद है विसर्ग का भेद है इसको व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थी या आचार्य लोग जानते हैं तो क्या है जेहुआ मूल्य जेहुआ मूल्य का जो चिन्ह होता है उसको ऐसा चिन्ह लगाते हैं ठीक है इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं इसका नाम है जहुआ मूल्य तो आपको कहीं ऐसा दिखता है और उसके आगे क अथवा ख़ ये आता है तब ये ऐसा चिन्ह दिखेगा आपको और ये विसर्ग को होता है ऐसा मानिएगा इधर है आपका रामह ऐसा था पर आगे का आ रहा है खा आ रहा है किसी शब्द का आदि अक्षर तो यहाँ विसर्ग को हटा देंगे और विकल्प करके क्या हो जाएगा एक बार ऐसा हो जाएगा तो इसी का व्याकरण में विधान है ये आपको चीज अभी समझ में नहीं आएगी आप इसके झंझट में ना पड़े बस मैं बतला दे रहा हूं सामान्य ठीक है तो इस ये जेहुआ मूल्य कहलाता है ये ये जेहुआ मूल्य कहलाता है ये विसर्ग का ही रूपांतर है तो कहते हैं जेहुआ मूल्य जिहव्य कहते हैं जो जेहुआ मूल्य ये विसर्ग है विसर्ग का ही तो भेद है विसर्गनीय का ही भेद है तो इसको क्या है जो ये आचार्य लोग इसको जिह् बोलते हैं अर्थात जिह्वा के मूल में इसको बोले जाने के कारण से ये जिहवा मूल्य कहलाता है तो ये ये कहना चाह रहे हैं कि इसका स्थान कंठ नहीं है यही है जिहवा का मूल यहाँ है नीचे तो वो है इसका स्थान तो वो ऐसा मानते हैं तो इसलिए इनका ये इन्होंने तर्क दिया इन आचार्यों ने अपना तर्क दिया कि देखिएगा इस विसर्ग को ही तो ये जिहवा मूल्य होता है और उसका स्थान क्या है जिहव्य अर्थात जिहवा के मूल स्थान यहाँ नीचे तो ये ये वो मानते इसलिए बोले छाती से ही ये छाती का स्थान माना जाएगा तो ऐसा उनका मानना है तो इस बात को हम अब यही ख़त्म कर देते हैं और इन दो सूत्रों को हटा देते हैं आचर पाणनी के मत को रखते हैं हमको इसी को फॉलो करना है ठीक है और वो आगे कहते हैं जो दूसरे आचार्य लोग उन्हीं का मत दिखा रहे हैं कवर्ग रिवर्णश्चि उनका ऐसा मानना है कि कबर्ग ये जो कवर्ग आया इसमें और रिवर्ण रिवर्ण इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो रिवर्ण जो री जो ऋषि वाली री और कबर्ग के पांचों अक्षर का ख ग गा, गा, इन पांचों का भी क्या स्थान है जेहुआ का मूल ये उसको भी जेहुआ का मूल मानते हैं इसलिए कहा जिह ये भी जिह्वा के मूल से ही इनका उच्चारण करना सही है ये दूसरे आचार्यों का मत है तो इसलिए ये कहा इसलिए कहते हैं कि जी जेहुआ के मूल से भी बोलना कोई अशुद्ध नहीं है परंतु तो हमारा मत क्या है आचार्य जी महाराज का तो इसको भी हटा देते हैं अब एक सूत्र आगे आ रहा है सर्व के। अब आचार्य कह रहे हैं कि भाई देखो ये कुछ एक और मत बताते हैं कि के माने कुछ लोग कुछ आचार्य क्या कहते हैं जी सर्व स्थानम अवर्णम कि भाई जो अवर्ण है उसका तो मुख पूरा मुख है मुख में कहीं से भी बोल सकते हैं जी कंठ से तालु से मूर्धा से कहीं से भी बोल सकते हैं जी जीवा के मूल से भाई कहीं से भी बोल सकते हैं जी उन्होंने खुली छूट दे दी उन्होंने खुली छूट दे दी जी कैसा भी बोलो जी तो आचार्य प्राणी कहते हैं ठीक है जी आपकी बात को भी लोगों को हम बता देते हैं परंतु ये सही नहीं है तो यही कहा सर्व सर्व स्थानम अवर्णम इक्के के कुछ आचार्यों का मत है कि जो अवरण है जो अठारह प्रकार का अ है उसका स्थान तो पूरा मुख है कहीं से भी मुख में से बोल सकते हैं कोई एक स्थान नहीं है आइएगा अब और आगे देखते हैं अच्छा जी अब लोग आचार्य पाणिनि जी कुछ आचार्यों का और मत दिखलाते हैं कहते हैं एक माने कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है जी कंठ्यान माने कंठ में जिन वर्ण, वर्णों का स्थान बताया गया है अर्थात आ और वर्ग हा और विसर्जनीय तो कहते हैं कंठ्यान माने कंठ से बोले जाने वाले जो भी वर्ण हैं आश्चमात्र भाई मुख में उन सभी वर्णों को मुख में कहीं से भी बोल सकते हैं कोई नियम नहीं है इनका स्थान कंठ ही है ये एक प्रकार के कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं जी कि जो कंठ में जिन वर्णों का स्थान कंठ है उनको मुख में कहीं से भी बोल सकते हैं तो ये आचार्य पाणी जी ने हमको तीन चार आचार्यों तीन चार मतलब तीन चार प्रकार के आचार्यों का मत हमको यहाँ पर दर्शाया बतलाया कि संसार में इस प्रकार से भी कुछ उच्चारण होते हैं परंतु सही उच्चारण तो आचार्य पाणिनि जी महाराज जी के द्वारा बताया गया ही है तो हमें यही मत मानना है क्या मानना है अकुह विसर्जनीया वर्ण और कवर्ग और हा, और हिसर्जनीय इनका स्थान क्या है कंठ बस ये आपको ध्यान रखना है दूसरे मत जो भी हैं उनको पढ़ करके के छोड़ देना है केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है तो आइए मित्रों इस कक्षा को अब हम यही विराम देते हैं आगामी कक्षा में हम आगे कुछ वर्णों को लेकर के आपके साथ प्रस्तुत होंगे आइए तब तक प्रतीक्षा कीजिए सर्वेभ्यो नमो नमः